हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं संकल लैंड और ये सीरीज का एपिसोड 2 है। अगर गलती से आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो मेरे भाई आई बटन में लिंक है, आप चाहो तो इसे देख सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो लेट गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने अपने रहने के लिए बेस तो बना लिया था, पर यार अभी भी ना मेरे पास खाना और पानी का कोई सिस्टम नहीं है, तो मुझे वो भी बनाना पड़ेगा वरना भाई मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं देख लेता हूं मुझे क्या बनाना है। तो मैं बिल्ड में जाके सबसे पहले देखता हूं, तो एक सिंपल ग्रिल मुझे बनाना है जिससे भाई मैं अपना खाना कुक कर सकता हूं, जैसे कि रॉ मीट या फिर क्रैब्स या फिर फिश जो मैं पकड़ के लाऊंगा उनको। और दूसरा भाई सिंपल प्यूरीफायर जिसको मैं बना सकता हूं पानी को, जो कि भाई ओशन का खारा पानी है ना उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं मीठे पानी में, जिसके लिए मेरे को चाहिए वुडन प्लैंक, स्क्रैप्स और भाई 3 कंपोनेंट्स। और तीसरी चीज है भाई प्लांट, जिसमें मैं कोई प्लांट उगा सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉबेरी सीड्स मेरे पास हैं तो मैं अपने लिए स्ट्रॉबेरीज उगा लूंगा। तो ऑलराइट गाइस चलते हैं एक्सप्लोरिंग पे, और बहुत ही जल्दी ना रात भी होने वाली है तो मेरे को सोना भी पड़ेगा। और मेरी पहली प्रायोरिटी है भाई स्क्रैप्स, दूसरी है कंपोनेंट्स और तीसरी है वुडन प्लैंक्स। तो प्लैंक्स तो भाई इनफ है मेरे पास, जिनसे दो चीजें शायद नहीं बन पाएगी तो हम और भी प्लैंक्स ले आएंगे। तो बाकी भाई चलते हैं ओशन में सर्च करने के लिए मेरे को मेटल स्क्रैप मिलते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पे आई थिंक भाई बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था, तो अभी मैं जाके देख लेता हूँ। और ये टूटी फूटी बिल्डिंग इधर भी है, बाकी यहाँ पे एक गाड़ी थी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वो मैंने ले ली थी, तोड़ ताड़ के स्क्रैप्स मिल गए थे उससे मुझे। तो नीचे मैं आ चुका हूँ, ये क्या भाई स्क्रैप्स आई थिंक, तो मैं स्क्रैप्स ले लेता हूँ। बाकी इसकी ऑक्सीजन लेवल भी भाई धीरे धीरे कम होता रहता है, तो इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यार मैं ज्यादा देर पानी में सांस नहीं ले पाता, तो शायद मुझे कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे मैं पानी में सांस ले सकूं। तो मैं आ चुका हूँ भाई इस बिल्डिंग के अंदर, और पहले तो मेरी सांस गई बिल्कुल, तो सबसे पहले तो भाई मैं पानी से बाहर जाके सांस लेके आता हूँ। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 0, तो वापस से सरफेस पे आ चुका हूँ। थोड़ी जल्दी इसकी ऑक्सीजन जा रही, यार कुछ तो करना पड़ेगा मुझे जल्दी से जल्दी, तो अभी इसमें जाके देख लेता हूँ। ठीक है भाई, और भी स्क्रैप्स मेरे को मिल जाएंगे यहाँ से, तो मुझे लगता है इनफ है क्या ये, मैं एक बार इन्वेंटरी चेक कर लेता हूँ अपनी। तो मेरे पास स्क्रैप्स तो 14 हो चुके हैं, पर मेरे पास कंपोनेंट की कमी है भाई, कंपोनेंट चाहिए मुझे। तो नीचे वाले फ्लोर पे भी जल्दी से जाता हूँ, और ये क्या चीज है, नहीं इसको नहीं ले पा रहा। बाकी ये क्या है इसमें भाई, ये पेन किलर और मेरे को क्लोथ मिल चुका और मेरी ऑक्सीजन जा चुकी है भाई। जल्दी चल जल्दी चल ऊपर चल यार। तो मेरे को यार मैं तैरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मेरे को ये कुछ ये डाइविंग फिन्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मर्लिन फिश स्किन और रस्सियां चाहिए। फिश की स्किन कहाँ मिलेगी यार मुझे, जिससे ना पानी में बहुत जल्दी जल्दी तैर पाऊंगा मैं। पर फिलहाल तो भाई ऐसे ही काम चला लेते हैं, और मुझे और भी स्क्रैप्स दिख चुके हैं तो मैं ये भी ले लेता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने कलेक्ट कर लिया। अभी भाई ये बिल्डिंग मेरे को लगता है मैंने पूरी एक्सप्लोर कर ली क्या, ये भाई इससे मेरे को लकड़ी मिल जाएगी अच्छी खासी। ऑलराइट, अच्छे खासे वुड प्लैंक मुझे मिल चुके हैं, और ये बेड भी तोड़ सकता हूँ क्या मैं भाई, लकड़ी की चीज तोड़ते हैं ना तो लकड़ी मिल जाती है हमें, तो लकड़ी लेना इतना ज्यादा मुश्किल काम मुझे लग नहीं रहा इस गेम में। और ये तो टूट चुका है, अब मेरे को सरफेस पे जाना चाहिए। और इस बिल्डिंग को मैंने पूरी तरह से लूट लिया है, अब चलते भाई कोई नई जगह पे। और मेरी ऑक्सीजन ना बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है, अब ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, हेल्थ भी कम हो जाती है भाई, ऑक्सीजन कम होती है। और इसी के साथ भाई रात भी होने वाली है, 7 बज चुके हैं, मतलब 8 बजने वाले हैं। और मेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या, फूड गैन है मेरे पास, तो मैं इसको खा लेता हूँ, इससे मेरी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और मेरा वाटर लेवल और फूड लेवल तो अभी भी ठीक है, और मैं बना सकता हूँ, मुझे लगता है भाई मैं अपने लिए प्यूरीफायर या फिर ग्रिल तो बना ही सकता हूँ। और एक दो केकड़े भी मुझे पकड़ने पड़ेंगे जिनको मैं पका सकूं खाने के लिए। तो आई थिंक मेरे को एक केकड़ा तो दिख चुका है, नहीं भाई लकड़ी है, तो मैं आ चुका हूँ, तो भाई अपने लिए बना ही लेता हूँ अभी बिल्ड में जाके। तो आई थिंक भाई कंपोनेंट्स की कमी है, तो मैं सिर्फ सिंपल ग्रिल बना सकता हूँ अभी, तो मैं ग्रिल ही बना लेता हूँ जिससे भाई फूड की कमी नहीं रहेगी मुझे। तो मैं कहाँ रखूँ भाई इसको, मैं रख देता हूँ अपने बेड के पास रखूँ क्या, नहीं भाई इस खिड़की के सामने रख देता हूँ। ऑलराइट, तो ये तो बन चुका है। तो इसके लिए मेरे को ना भाई कुछ लाना पड़ेगा, इसके लिए भाई मेरे को क्रैप्स चाहिए, तो शायद मैंने क्रैप्स तो अपनी इन्वेंटरी में रखे हुए हैं। ये रहा भाई, इसको ले लेता हूँ, और इसमें जाके देखते हैं पका के पक जाएगा क्या इससे ये। ऑल राइट, इसमें मुझे लकड़ियां भी डालनी पड़ेगी, जो कि भाई मैंने 4 लकड़ियां डाल दी, और इसको पकने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। तो मेरा सोने का भी टाइम हो चुका आई थिंक, तो मैं सो जाता हूँ। और सामने भी भाई मेरे को क्रैप दिख चुका है पानी में, पर इसको मैं बाद में लूंगा, पहले मैं सो जाता हूँ। अभी सोने का टाइम नहीं हुआ क्या अभी, अच्छा भाई 6:30 बजे, अभी मुझे लगा था 8 बजने वाले हैं। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, और हमारा खाना भी देख लेता हूँ कितनी देर में पकने वाला है ये। तो ऑल राइट गाइस, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, तो अपनी मशाल में ले लेता हूँ हाथ में, जिससे भाई मुझे दिखता रहेगा। और मेरा खाना भी आई थिंक बन चुका है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको खा के देखते भाई कैसा लग रहा है ये। ये हमारा रोस्टेड क्रैप, तो ठीक है भाई, तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्टोर हो गई, और मेरा फूड साइकिल पूरा भर चुका है, और शायद मुझे लगता है सोने का टाइम भी हो चुका है, तो मैं सो जाता हूँ जल्दी से। और आई थिंक सुबह हो चुकी है, सुबह भाई एक सेकंड में सुबह हो जाती है, सबसे पहले अपनी मसाल भुजा देते हैं हम, क्योंकि इसकी मुझे आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। और भाई मेरा पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो रहा है यार, तो मैं पानी पी लेता हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास पानी के लिए भाई सिर्फ सोडा कैन है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और आज भाई मेरे को प्यूरीफायर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं मर जाऊंगा भाई बिना पानी के। तो और ये मेरे स्ट्रॉबेरी सीड्स हैं, तो इसको मैं सबसे पहले तो अपनी चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि यार एक्स्ट्रा सामान मैं लेकर रहूंगा और मैं रास्ते में मर गया तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और स्क्रैप्स भी मुझे मिले थे वो कहाँ गए भाई, मैं रख दिए कैसे पहले से ही, ये सारी चीजें भी रख देता हूँ, क्लोज भी रख देता हूँ, एंटीबायोटिक्स है, बाकी भाई खाना और मैं अपने साथ सोडा कैन रखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या ढूंढना है मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार। तो अब मेरे को बनाना है प्यूरीफायर, इसके लिए मेरे पास स्क्रैप्स हैं, वुड है, मुझे बस 3 कंपोनेंट्स चाहिए। तो कंपोनेंट्स मेरे को कहाँ मिलेंगे यार, तो मुझे लगता है पानी में फिर से जाना पड़ेगा। और एक क्रैब मुझे दिख चुका है, तो इसको मार लेता हूँ बाद के खाने के लिए। अरे मर जाना, मर क्यों नहीं रहा,
मर गया, इसको भी मैंने उठा लिया है। अब आगे जाके देखता हूँ। सबसे पहले भाई मेरे को सामने छोटी सी कोई कश्ती टाइप दिख रही है और एक आइलैंड भी है भाई, बहुत सारे आइलैंड है। वैसे मैंने अभी तक एक भी एक्सप्लोर नहीं किया, पर मैं ना एक्सप्लोर करने से पहले एक वेपन बनाऊंगा यार, क्योंकि क्या पता सामने वाले आइलैंड पे क्या हो और मेरा क्या इंतजार कर रहा हो, मेरे को मार दे। और मेरे को नीचे एक बिल्डिंग तो दिख चुकी है जो की जिसमें शायद मेरे को थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा। मुझे मेनली ना कंपोनेंट्स चाहिए यार, कंपोनेंट्स मिलेंगे तो आगे काम चलेगा, वरना हम स्टक होके रह जाएंगे। और एक अलमारी मिल चुकी है तो इसको मैं तोड़ के प्लैंक्स ले लेता हूँ बहुत सारे। यार ऑक्सीजन का कुछ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी जा रही है मेरी, तो मेरे बार बार भाई ऊपर आना पड़ता है फिर नीचे जाना पड़ता है एक्सप्लोर करने के लिए, और हेल्थ भी कभी बार कम हो जाती है मेरी इससे। तो अभी मेरे को लगता नहीं है आसपास कुछ है, एक बार देख लेता हूँ नजर मार के। और बहुत ज्यादा अंधेरा है भाई अंदर, अभी ना भाई दिन हुआ नहीं प्रॉपर तरीके से, अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं सुबह के, इसलिए बहुत ज्यादा अंधेरा है तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा पानी में प्रॉपर। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कुछ है क्या भाई? नीचे मेरे को बहुत दूर एक बिल्डिंग तो दिखी है जहाँ पे शार्क भी घूमने लग रही है। पहले मैं दिन होने का वेट कर लेता हूँ क्योंकि यार पानी में कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो भाई ऑलरेडी दिन हो चुका है अच्छा खासा, तो मुझे लगता पानी में हमें साफ दिखाई दे जाएगा और हमें ढूंढने में भी आसानी रहेगी। भाई हम क्या ढूंढने वाले हैं? कंपोनेंट चाहिए मुझे, और यहाँ तो मुझे लगता नहीं कुछ है, तो यहाँ से चले जाता हूँ। और भाई ये शार्क नहीं है, ये डॉल्फिन भी नहीं है भाई, पता नहीं क्या है ये। और नीचे मेरे को कंटेनर टाइप कुछ दिख चुका है, तो कंटेनर पर शायद मेरे को मिल जाए कुछ। कंटेनर पे मैं आया तो था बड़ी उम्मीद लेके, पर यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला और मेरी ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा जा चुकी है। अभी ऊपर चल। ऑलराइट गाइस, मेरे को तैरते ये क्या दिख गया भाई? ये मेंशन टाइप मुझे कुछ लग रहा है, तो इसमें मुझे पक्का भाई कुछ ना कुछ कीमती चीज मिलने वाली। तो सबसे पहले तो भाई मैं इसी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक गाड़ी दिख गई है, तो यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे मेटल स्क्रैप तो मिल ही जाएंगे, तो मैं ले लेता हूँ। और मेरे को भाई ठीक ठाक तो स्क्रैप मिल गया, और मेरी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है यार, ऑक्सीजन का इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वॉशिंग मशीन मिल गई तो मेरे को क्लोज की कमी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये भी ले लिया मैंने। और एक बार मैं नजर मार के चला जाता हूँ, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। और मेरी ऑक्सीजन भाई बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और मैं मौत से खेल रहा हूँ भाई, मैं मर जाऊंगा मुझे लग रहा है, मैं मर जाऊंगा पक्का, मर गया भाई। सारा सामान ऐसे ही चले जाएगा और हेल्थ हो रही है बहुत जल्दी जल्दी कम। नहीं बच गया। तो फिर से चलते मेंशन में, सांस हो चुकी पूरी। तो अब भाई खिड़की भी बंद है यार, खिड़की से भी जा नहीं सकता मैं। और ये भाई मेरे को स्क्रैप्स मिल जाएंगे यहाँ पे। भाई बंदा ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, पानी में भी इतनी जल्दी तोड़ देता ना चीजें, पूछो मत। और ये क्या है भाई? ये पे मेरे को कुछ ट्रॉफी आइटम मिला और ये मेरे को ब्लूप्रिंट टाइप लग रहा है। नहीं ये मेरे काम की। एक वॉशिंग मशीन मिल गई तो भाई मैं भी स्कैवेंजिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को फूड मिल गया है, अब निकल। छोटी खिड़की भाई, यहाँ से नहीं निकल पाएगा, ऊपर चल। ऑलरेडी मेरे को एक कंपोनेंट तो मिल चुका है, मेरे को दो और चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, दो चाहिए ना? हाँ दो और चाहिए मुझे भाई। और इस बिल्डिंग को मुझे लगता है मैंने एक्सप्लोर देख लेता हूँ कितना किया है मैप में, हम देख सकते हैं इसको। मैंने भाई 28% ही एक्सप्लोर किया अभी, मतलब इसके अंदर अभी भी बहुत कुछ है शायद, तो देख लेता हूँ। एक वॉशिंग मशीन और है, तो इसके अंदर सोडा कैन, चारकोल, और ये मुझे लगता है भाई इन्वेंटरी भी बहुत जल्दी फुल होने वाली है, तो क्रैप्स को यहाँ रख देता हूँ, फूड को भी यहाँ रख देता हूँ। ठीक है अब चलते हैं अंदर। बाकी भाई ऑक्सीजन का तो कुछ है ही नहीं सिस्टम। भाई टेबल वेबल मिल रही, बेकार सामान मिल रहा है कि कुछ यार कंपोनेंट्स या फिर कोई लग्जरी या फिर कोई पिस्टल वगैरह ही मिल जाए तो यार मजा आ जाएगा, जिससे भाई मैं शार्क वगैरह को मार दूंगा। और मेरे को शार्क से फिन मिल जाएगी क्या वो वाली? यार ऑक्सीजन का कुछ करना पड़ेगा। गई हेल्थ। फिर से चलते एक बार और। मेटल स्क्रैप्स भाई, दरवाजे भी तोड़ के लकड़ी मिल रही है, इसका मतलब तोड़ रहा है या फिर तोड़ दिया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो मेरे को कोई चेस्ट टाइप का लग रहा है, ये ले लूं क्या मैं? क्या है ये? सीट्स मिल गए, ये मिल गए, रिंग मिल गई डायमंड की। अबे नीचे ही फेंकता जा रहा है क्या सामान भाई? कुछ उठा भी रहा है कि नहीं? अबे यार मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई तो ये उठा नहीं रहा सामान, नीचे ही फेंक देता है। मेरी हेल्थ जा रही है बहुत जल्दी जल्दी। ऊपर चल। तो मेरे को ना एक स्कर्ट मिली थी भाई, मैंने इसको पहना दी, ये रही, क्योंकि वैसे भी मुझे फेंकनी पड़ती। और भी कुछ है क्या? ये क्या ब्लू प्रिंट्स है, मैंने यूज कर लिया है। ठीक है इससे मैं कुछ बना सकता हूँ आगे चल के। और भी जो भी सामान है ना, मैं इसको ऐसा करता हूँ अपनी इन्वेंटरी में डाल देता हूँ, क्योंकि ना फिर मैं उठा नहीं पा रहा ज्यादा चीज है। और को मैं ऐसा करता हूँ खा लेता हूँ, क्योंकि वैसे ही जगह घिर रहा है इन्वेंटरी में ये। और फूड को मैं रख देता हूँ यहाँ पे भाई। मेटल स्क्रैप यहाँ जा, सोडा तू यहाँ जा, और बाकी वुडन प्लैंक मैं यहाँ रख देता हूँ। तो मैंने इन्वेंटरी तो अपनी सेट कर ली ढंग से। अब भाई सामान लेके आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने 40% अभी भी भाई 40% ही एक्सप्लोर किया है इस मेंशन को। अब यहाँ पे मेरे को बक्सा सा मिल गया भाई, इसमें जरूर कुछ खूबिया चीज होगी। और मेरे को 5 कंपोनेंट मिल गए। ऑलराइट भाई यही मेरे को चाहिए थे, तो मुझे लगता है मैं बाद में और एक्सप्लोर करके इसको चला जाऊंगा। और भी भाई मेटल स्क्रैप है तो ले ही चलता हूँ एक ही बार में, यार बार बार कौन आएगा। इस बैरल को तोड़ के मेरे को लकड़ी, कपड़े और भी क्या है, और एक मेटल स्क्रैप और मुझे दिखाता तो इसको भी ले लेता हूँ भाई जान पे खेल के। ठीक है अब ऑक्सीजन लेवल तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, यहाँ से निकल जाऊंगा ना मैं। ठीक है अब चलते भाई, अब चलते अपने आइलैंड की तरफ, क्योंकि यार इनफ सामान मैंने ले लिया है, मेरे को सिर्फ चीजें बनानी है। तो मेरा आइलैंड वही है क्या भाई ये? नहीं मैं तो कहीं और ही जा रहा हूँ यार, पता नहीं भाई वहाँ हमारा क्या इंतजार कर रहा होगा। मेरे को लगता है सामने वाला हमारा है, तो मैं आ चुका हूँ अपने आइलैंड पे और एक बार मैप खोल के देखता हूँ। और मैंने अपना आइलैंड भी सिर्फ 39% ही एक्सप्लोर किया यार, ऐसे कैसे? मैंने तो सब कुछ देख लिया था चारों तरफ घूम घूम के, पता नहीं भाई क्या रह गया। मुझे लगता है ये गलत दिखा रहा है शायद, या फिर भाई मैंने कुछ चीजें हिडन है यहाँ पे मुझे दिखी नहीं। तो सबसे पहले अपने लिए प्योरीफायर बना ही लेते, क्योंकि यार बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी मुझे। तो इसको मैं रखने वाला हूँ इसके साइड में, एग्जैक्ट साइड में नहीं, यहाँ पे रख देता हूँ। ऑलरेडी बन चुका है, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? ऐड सी वाटर और ऐड सी वुड। वुड तो मैं इसमें डाल दूंगा ऐसे,
ठीक है, वुडमैन डाल दिए, बस मेरे को वाटर ऐड करना है। इसके लिए मेरे को शायद बकेट चाहिए होगी, तो मैं देख लेता हूँ बकेट कैसे बनेगी। इसके लिए मेटल स्क्रैप से बन जाएगी आराम से, तो मैं ये ले लेता हूँ। और बन चुकी है बकेट, तो सबसे पहले मैं बकेट में देखता हूँ पानी कैसे भरना है। भाई पानी भर लिया मैंने बकेट में, इसके अंदर मुझे डालना है इसको। ठीक है, तो मैं 5 बाल्टी पानी इसमें डाल सकता हूँ। ऑल राइट, तो भाई मेरे को ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लाने में। एक एक बाल्टी लेके आना, इसमें डालना है 5 बार, या फिर मैं 5 बाल्टी बना सकता हूँ और एक ही बार में उनको भर के ला सकता हूँ। पर अभी फिलहाल के लिए भाई मैं 5 बार ले आता हूँ। तो ये लास्ट बाल्टी है, तो मैंने 5 बाल्टी पानी तो इसमें डाल दिया। मेरे को थोड़ी सी वुड और ऐड करनी पड़ेगी जिससे ये रुक ना जाए। बाकी भाई पानी शायद हो चुका है और मैं से पानी पी सकता हूँ भाई। ऑलराइट, मेरा वाटर वार तो भर रहा है। तो ऑलराइट गाइस, मेरा वाटर वार फुल हो चुका है और मेरा फूड वार थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए मेरे को केकड़े भाई ग्रिल कर लूंगा फिर से। केकड़े मेरे पास है क्या? नहीं, केकड़ा तो मैंने खा लिया था रोई। और मेरे पास बहुत ज्यादा सामान हो चुका है अपनी इन्वेंट्री में, तो सबसे पहले तो भाई चेस्ट भर देता हूँ सामान से। तो सबसे पहले तो भाई इनको मैं रख देता हूँ। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ये चारकोल है, बाकी वुड को कर दूं क्या? वुड को भी रख देता हूँ। और स्क्रैप्स, फूड, ये क्या है भाई, एक बार देख लेता हूँ। स्नीकर्स, सी, अच्छा ये शूज है भाई, शूज पहना देता हूँ इसको, यार काम आएंगे शूज तो हमारे बहुत ज्यादा। मेरे को मास्क चाहिए, वेस्ट चाहिए और एक हेलमेट चाहिए और ग्लव्स और बैकपैक भी चाहिए, जिससे शायद मुझे लगता है ज्यादा सामान कैरी कर सकता है ये। और मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक धांसू सा वेपन भी बना ही लूँ यार, क्योंकि ना वो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और फिर हम चलेंगे सामने वाले आइलैंड को एक्सप्लोर करने। और मेरे ख्याल से भाई बोट लेके आ रहा है कोई इधर, ऐसा लग तो रहा है कि कोई बोट में आ रहा है यार हमारी तरफ ही। मुझे लग रहा है यार ऐसा सामने बोट है क्या, वो पता नहीं क्या है भाई। रेड तो नहीं होने वाली भाई मेरे ऊपर, इतनी जल्दी रेड तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार हमने गेम जस्ट शुरू ही किया, मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं इस गेम के बारे में। और मैं सबसे पहले अपने लिए टूल्स बना ही लेता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं भाई रेड वेड हो रही हो तो। और अजीब सी आवाजें आने लग गई यार, और ये भाई सामने से बंदा आ रहा है, मुझे लगता है रेड हो चुकी है हमारे ऊपर। और मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है यार। ओबे अबे भाई, ये क्या भूत जैसा क्या है ये? रुक जा, तेरी तो भाई तेरे लिए एक्स ही काफी है। गया। अबे क्या है भाई ये, इंसान तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल से, ये हड्डी के ढांचे जैसे तो है भाई। रेड हो गई है मेरे ऊपर प्रॉपर, अभी पानी में भी तैर रहा। रुक, तेरी तो मेरे घर पे रेड करेगा। रुक जा। मेरी हेल्थ भाई बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो कुछ खा लूँ क्या? ठीक है, हेल्थ थोड़ी सी बढ़ गई है और ये भी मर चुका है। इनको लूट लेता हूँ। अरे भाई इन पे तो बहुत ज्यादा सामान है, अंदर भी 2 पड़े हुए हैं, तो उनको भी लूट लेता हूँ। मेरे को लग ही रहा था भाई वो नाव जैसी कुछ तो है। तो ये 3 ही रेडर्स आए थे मेरे को रेड करने के लिए, और मैंने इनको ही मार दिया है। क्लोथ मिल गया, नंगे पोंगे से तो है भाई ये, क्या इसके पास कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या सामान मिल गया इनसे। तो मेरे को भाई ये मिला है, एक तो बर्ड मीट मिला है मुझे, तो बर्ड मीट को तो मैं पका लेता हूँ, क्योंकि यार बर्ड मीट पक जाएगा तो हमारे पास खाने की कमी नहीं रहेगी। और बाल्टी मेरी कहाँ रख दूं मैं? बाल्टी अभी फिलहाल नीचे फेंक देता हूँ बाल्टी को, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से उठा के पानी भर देंगे। बाकी मेरी एंटीबायोटिक्स हैं तो इनको खा लेता हूँ, इससे मेरी हेल्थ ना रिकवर हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है वो पानी में कुछ तैर ही रहा है भाई, वो नाव वाव नहीं है। बाकी मेरे पास रेड तो हुई थी भाई, इसका तो प्रूफ है मेरे पास। अब मैं देख लेता हूँ मेरे को क्या बनाना है। तो भाई हालातों को देखते हुए मुझे अब टूल्स की जरूरत है, तो भाई वुडन स्पीयर मुझे बनाना पड़ेगा। उसके लिए भाई मेरे को चाहिए लकड़ियाँ, तो लकड़ी ले लेता हूँ यहाँ से मैं। अब वुडन स्पीयर में बना लेता हूँ क्राफ्ट, और इसको 2 नंबर पर रख देता हूँ, क्योंकि जैसे कोई आएगा ना भाई 2 नंबर दबाया और स्पीयर हाथ में, इससे ना वो एक बार में मर जाएगा। और एक मैं धनुष भी बना सकता हूँ अपने लिए, तो धनुष के लिए मेरे को रोप चाहिए, रोप के लिए मेरे को कपड़े चाहिए, कपड़े से मैं रोप भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास। ऑल राइट, तो कपड़े तो मेरे पास इनफ है, तो मैं अब रोप बना लेता हूँ। बन चुकी रोप, अब रोप से मैं क्या बना लूंगा? बो बना लूंगा आराम से। एरो बन चुके हैं और थोड़ी सी लकड़ी की कमी पड़ गई, तो अपने लिए मैं बो भी बना लेता हूँ और इसको रख देता हूँ मैं 3 नंबर पे। ठीक है, अब देखते भाई इसको चलाना कैसे है। ठीक है, ऐसे भाई निशाना लगाना है और फायर करने के लिए एक बार इस पे मार के देखता हूँ। ओ भाई ये तो खतरनाक है यार, ये तगड़ा है ये। अब मेरे पास 8 बचे हैं सिर्फ, तो मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता अभी, मेरे को और काम आने वाले हैं। तो ऑलराइट गाइस, मेरे पास खाना पानी और वेपन हो चुके हैं, पर अभी भी मेरे पास खाने का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसको मैं भाई खुद से बना सकूं, मतलब जिसकी मेरे पास कमी नहीं रहे। तो उसके लिए मेरे को ना प्लांटर बनाना पड़ेगा, और प्लांटर के लिए मेरे को चाहिए वुड। तो वुड तो मेरे पास आई थिंक पड़ी हुई है चेस्ट में अच्छी खासी, तो मैं ले लेता हूँ वुड यहाँ से। फिर वुड ना मैंने वही सारी यूज कर ली, तो प्लांटर के लिए कितनी वुड चाहिए एक बार देख लेता हूँ मैं। प्लांटर के लिए मेरे को 10 वुड चाहिए और मेरे पास सिर्फ 7 है, तो वही वो तो मुझे आइलैंड पे मिल जाएगी, तो मैं जल्दी से ढूंढ के ले आता हूँ। यही आई थिंक मैंने यहीं पे पड़ी हुई तो देखी थी अच्छी खासी बोर्ड। तो एक अब कितनी हो चुकी है मेरे को? 2 और चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को लास्ट मिल चुकी है, तो 10 बोर्ड हो चुकी है मेरे पास। ठीक है, अब मैं प्लांटर बना सकता हूँ अपने लिए आराम से। और ये मेरे यहाँ पे भाई मशरूम्स भी बड़े हुए हैं, तो इनको भी लेके चलता हूँ अपने घर में। और प्लांटर बनाने के लिए मेरे को रेसिपी तो है मेरे पास, और ये 10-12 बोर्ड चाहिए यार, मेरे पास 10 ही हुई है। अबे यार ये क्या कर रहा है भाई, मुझे पहले लगा था 10 ही चाहिए, अब 11 हो चुके हैं। ठीक है, अब एक बोर्ड और मेरे को ढूंढनी है कहीं कैसे भी करके। इसके ऊपर जाके देख लेता हूँ, इसके ऊपर कहाँ से आएगी बोर्ड भाई, फिर भी मैं चढ़ जाता हूँ। और नीचे शायद मुझे यहाँ से दिख जाएगी, क्लियर व्यू मिलता है।
यहाँ से, तो आसपास तो शायद मैंने सारी ले ली, हट्टी कर ली, वुड तो नहीं मिली मेरे को, पर गाड़ी दिख चुकी है यहाँ पे, तो गाड़ी से कुछ तो भाई मेरे को काम की चीज मिल जाएगी, तो इसको भी स्कैवेंजिंग कर लेता हूँ मैं। मेरे को क्लोथ मिल गए, स्क्रैप मिल गए। भाई स्क्रैप लेना इतना आसान है क्या? मुझे पहले लग रहा था स्क्रैप भाई बहुत ज्यादा कोई वैसी चीज होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ढूंढना, और इतनी आसानी से मिल रहे हैं ना। और मेरे को सारी चीजें ना, मतलब जनरली जो भी हमें हथियार चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, स्क्रैप्स की जरूरत पड़ती है उन सब में, तो ये तो भाई अच्छी बात है, शायद स्क्रैप्स मिल जाते। पर मुझे लगता है बाकी की चीजें जो है मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलने वाली है, तो एक बार तो ऊपर चला जाता हूँ भाई, मेरी सांस जा रही है बहुत ज्यादा। लकड़ी का लट्ठा दिख चुका है, इसको अगर मारूंगा तो इससे मुझे वुड मिलेगी क्या? नहीं, इससे वुड नहीं मिल रही मुझे, बस दो दो और चाहिए कि देख लेता हूँ कितनी चाहिए। मुझे एक वुड चाहिए बस यार, उसके लिए मेरे को क्या करूँगा, ये इतना ढूंढना पड़ रहा है एक वुड के लिए। तो ऑलरेडी गाइस लास्ट वुड भाई मुझे अपनी आइलैंड पे पड़ी हुई मिल गई, मैं फालतू में भाई परेशान होने लग रहा था। अब मैं प्लांटर बना सकता हूँ आसानी से, और ये बकेट भी मैंने उठा लिया है, और मैं बिल्ड में जाता हूँ। और प्लांटर कहाँ है? ये रहा। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है ये। और प्लांट करने के लिए मेरे को सीड चाहिए, तो सीड मैंने भाई यहाँ रखे हुए हैं शायद, स्ट्रॉबेरी सीड्स। ऑलराइट, अब मैं इसमें भाई सबसे पहले स्ट्रॉबेरी में उगाने वाला हूँ, तो ठीक है स्ट्रॉबेरी सीड्स तो मैंने डाल दिया। मेरे को लगता है इसमें पानी डालना पड़ेगा या फिर ऐसे ही ये उग जाएंगे, तो एक बार देख लेता हूँ। पानी लेने के लिए मेरे को वाटर बोटल बनानी पड़ेगी यार, ये बड़ा भाई कॉम्प्लिकेटेड हो रही है सारी चीजें, तो वाटर बोटल बनाने के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ। मुझे लगता है भाई बोतल तो शायद ये नहीं बना सकता, बोतल इसको शायद ढूंढनी ही पड़ेगी, नहीं है। बाकी भाई शैक बना लेता हूँ, इससे ना मेरी थोड़ी बहुत कैपेसिटी बढ़ जाएगी इन्वेंटरी की, ठीक है ये बहुत ज्यादा काम की चीज हो चुकी है। और मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, शायद स्ट्रॉबेरीज ऐसे ही उगाए बिना पानी डाले, क्योंकि इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा पानी डालने वाला, नहीं आया तो फिर भाई पानी हम डाल ही देंगे इसमें। तो ऑलरेडी गाइस इससे आगे के टास्क करेंगे हम अगली वीडियो में, और हम दूसरे आइलैंड पे जाके भावी रेड करने वाले हैं, वहां पे लूटेंगे, देखते भाई हमें क्या क्या सामान मिलने वाला है, और भी भाई पिस्टल या फिर बड़े बड़े तगड़े वेपन, और हम अपने लिए एक बोट भी बनाएंगे, क्योंकि तैर के जाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।